नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैनल पर आए हुए कमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उस कमेंट में उन सज्जन जी का कहना है कि वो एक 5,000 रुपए की SIP करना चाहते हैं। साथ ही में उन्होंने हमें फंड्स भी बताए किन किन फंड्स में वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन तीनों ही फंड्स का पूरा एक पोर्टफोलियो एनालिसिस करेंगे, एक ओवरव्यू करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कैसी उनकी पास्ट की परफॉर्मेंस है और कितना बेहतर वो फ्यूचर में परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि अगर आप भी इन फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को करते हैं तो फ्यूचर में आप कितनी बढ़िया यहाँ से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस बनाने का यही है कि आपको काफी सरल और आसान भाषा में इस इन्वेस्टमेंट प्लान को समझाया जा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर SIP का अमाउंट ले लेते हैं जो कि वो करना चाहते हैं, जो कि रहेगा 5,000 रुपए प्रति महीने की। अब बात करते हैं यहाँ पर फंड्स की। देखिए, बात करूं अगर मैं यहाँ पर अपने पहले फंड की, जो कि हमारा रहेगा SBI कॉन्ट्रा फंड। बात करते हैं इस फंड के थोड़े एनालिसिस की। देखिए, अगर बात करें यहाँ पर इसके फंड साइज की, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 18,931 करोड़ रुपए का। वही बात करें अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 0.72% का। देखिए, बात करें अगर यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो आप SIP को इस फंड में मात्र 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। वही बात करें अगर लमसम की, तो आप 5,000 रुपए से इस फंड में अपने लमसम अमाउंट को भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर होल्डिंग्स की कि कैसी हमें इस फंड की यहाँ पर होल्डिंग्स देखने को मिलती है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं लार्ज कैप की। तो लार्ज कैप में हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है 44.16% की। वही बात करें अगर मिड कैप की, तो मिड कैप में हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है 29.82% की। वही बात करें अगर स्मॉल कैप की, तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है 15.17% की। देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न्स की कि कैसे हमें इस फंड के यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। देखिए, बात करें अगर रिटर्न्स की, मैं यहाँ पर 3 ईयर या 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पर एक ऑल ओवर इस फंड के रिटर्न्स की बात करूंगा, जो कि हमें देखने को मिलते हैं 17.02%। देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर अपने दूसरे फंड की, जो कि हमारा रहेगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए, बात करते हैं इस फंड के भी थोड़े एनालिसिस की। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर फंड साइज की, जो कि हमें देखने को मिलता है 48,294 करोड़ रुपए का। बात करें अगर एक्सपेंस रेशियो की, तो वो हमें यहां पर देखने को मिलता है 0.62% का। बात करेगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, अगर बात करें SIP की, तो आप 1,000 रुपए से इस फंड में अपनी SIP को शुरू कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर लमसम की, तो लमसम भी आप 1,000 रुपए से इस फंड में शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर होल्डिंग्स की कि कैसी हमें इस फंड की होल्डिंग्स देखने को मिलती है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर लार्ज कैप की। तो लार्ज कैप में हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो देखने को मिलती है 70.52% की। बात करें अगर स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है 8.12% की। बात करें अगर मिड कैप की, तो मिड कैप में हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है 6.3% की। देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न्स की कि कैसे हमें इस फंड के एक ऑल ओवर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं 20.15% की। काफी बढ़िया यहाँ पर हमें इसके एक ऑल ओवर रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने तीसरे फंड की, जो कि हम यहाँ पर लेकर चलेंगे UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। देखिए, बात करें इसके भी थोड़े एनालिसिस की। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फंड साइज की, जो कि हमें देखने को मिलता है 13,600
27 करोड़ रुपए का। बात करें अगर एक्सपेंस रेशियो की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सिर्फ 0.21%। बात करें अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर SIP की, तो मात्र 500 रुपए से आप इस फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। बात करें अगर लमसम की तो 5000 रुपए से आप इस फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को भी शुरू कर सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर होल्डिंग्स की कि कैसी हमें इस फंड की होल्डिंग्स देखने को मिलती है। देखिए बात करें अगर होल्डिंग्स की तो लार्ज कैप में भी जो इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 100.03%। बाकी स्मॉल और मिड कैप में हमें कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलती है। अगर बात करें यहाँ पर इसके भी एक ऑल ओवर रिटर्न्स की तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं 13.26% की। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर इन तीनों ही फंड्स के थोड़े कि ये क्या इनकी खासियत है, कैसी USB है इनकी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रा फंड की। देखिए कॉन्ट्रा फंड की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये जो है मार्केट के थोड़ा अपोजिट चलता है। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो अभी तो अंडर परफॉर्मेंस है लेकिन उनमें काफी पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं और साथ ही साथ रिटर्न्स भी काफी बढ़िया दे सकती हैं। वही बात करें अगर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की। देखिए जो फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं यहाँ पर जो हमारे फंड मैनेजर होते हैं उन्हें काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो देखिए उन्हें इतनी फ्रीडम होती है कि वो अपने पैसे को मार्केट के हिसाब से डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि मार्केट का झुकाव अभी लार्ज कैप की तरफ है तो वो अपने पैसे को लार्ज कैप में बढ़ा देते हैं। वहीं अगर उन्हें लगता है कि अभी मार्केट का झुकाव थोड़ा स्मॉल कैप की तरफ है तो वो अपने पैसे को स्मॉल कैप में डाइवर्ट कर सकते हैं। देखिए बात करें अगर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की। देखिए इंडेक्स जो है किसी भी चीज को नापने का एक माध्यम है। वहीं बात करें अगर भारत की तो भारत का जो है सबसे पॉपुलर जो है निफ्टी 50 इंडेक्स है। ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स कहलाते हैं। देखिए दोस्तों ये तो रहा इन तीनों ही फंड्स का पूरा पोर्टफोलियो एनालिसिस। अब एक SIP कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं कि अगर आप इन फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से आप फ्यूचर के लिए कितनी बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो इसे यहाँ पर रब कर देते हैं और एक SIP कैलकुलेटर के माध्यम से यहाँ पर जो है फ्यूचर का अपना अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। देखिए जो यहाँ पर SIP का अमाउंट है वो यहाँ पर रहेगा 5000 रुपए प्रति महीने की। अब बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न्स की। देखिए यहाँ पर जो है मैं इन तीनों ही फंड्स के एवरेज रिटर्न यहाँ पर 15% के लेकर चलूंगा। हालांकि हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इससे भी ज्यादा के रिटर्न्स देखने को मिले लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर रिटर्न्स थोड़े कम ही लेकर चलूंगा क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती। अगर बात करें यहाँ पर ड्यूरेशन की तो ड्यूरेशन मैं यहाँ पर लेकर चलूंगा 20 ईयर्स की। अगर बात करें इन्वेस्टेड अमाउंट की तो यहाँ पर आपको जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो इन्वेस्ट होगा 12 लाख रुपए का और जो टोटल अमाउंट आपका बनेगा 20 साल बाद वो आपका बनेगा 75.8 लाख का। लगभग 76 लाख रुपए का अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप ड्यूरेशन थोड़ा यहाँ पर इंक्रीज कर दें, मान लीजिए आप ड्यूरेशन यहाँ पर जो है 5 साल और बढ़ा दें 25 ईयर्स की कर दें तो जो यहाँ पर आपका अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो यहाँ पर इन्वेस्ट होगा 15 लाख रुपए का और जो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 1.64 करोड़। 1,64,00,000 रुपए का आपको यहाँ पर अमाउंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही है कंपाउंडिंग की ताकत और यही है खासियत लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की। देखिए दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको काफी हेल्प हुई होगी, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारा काम अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, किसी तरह का कोई डाउट है, कोई पोर्टफोलियो एनालिसिस है जो कि आप हमारे चैनल पर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई एडवाइस ये वीडियो नहीं देता है। बाकी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।